हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्विक। फ्रेंड, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि मैं आप लोगों को कल बोला था कि आज हर हाल में आंसर की आ जाएगा और ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव हो गया, तो फ्रेंड्स वो बात मेरा सच हो गया है। ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव हो गया है, अब आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका लॉगिन आईडी डालेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डालेंगे यानी कि डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपका ऑब्जेक्शन लिंक जो है ओपन हो जाएगा। आप जिस क्वेश्चन पे चाहें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ डिटेल। ये देखिए, जब आप लोग क्वेश्चन पेपर वाला आप लोग लिंक ओपन करते थे तो आता था वही लिंक, फिर से ओपन करना उसी पे आया हुआ है, कुछ अलग है नहीं। खोलते थे तो जैसे ऐसे आता था, देखिए कैंडिडेट लॉग इन यानी अभ्यर्थी लॉग इन, लॉग इन टू रेज ऑब्जेक्शंस। फिर ये देखिए है, क्लिक हियर टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर पीडीएफ, जो पहले भी था। ठीक है, ये नया चीज़ आया है। यूज़र आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे पासवर्ड यानी DUB डालना है। फिर यहाँ पे आप कैप्चा कोड जब डालेंगे तो फिर इसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो आपको ऑब्जेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसके साथ साथ नीचे देख रहे हैं कुछ नोटिस भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन में देख लेते हैं। निर्देश इंपॉर्टेंट, अब्सेंटी कैंडिडेट कैन नॉट व्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड कैन नॉट सबमिट ऑब्जेक्शन, यानी हिंदी में क्या है, महत्वपूर्ण सूचना। अनुपस्थित अभ्यर्थी प्रश्न पत्र और जवाब आपत्तियाँ नहीं देख सकते हैं और आपत्तियाँ प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या है उसके आगे, फर्स्ट कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट ऑब्जेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर एंड आर आंसर कीज थ्रू दिस लिंक ओनली। ऑब्जेक्शन थ्रू एनी अदर मोड मेन्स चैनल सेल नॉट बी एंटरटेन। उम्मीदवार केवल इस लिंक के माध्यम से प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, किसी भी अन्य मोड साधन चैनल के माध्यम द्वारा आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। सेकेंड क्या है, ऑब्जेक्शन मस्ट बी एंटर्ड ओनली इन इंग्लिश, यानी आपत्ति केवल अंग्रेजी भाषा में ही दर्ज की जानी चाहिए। थर्ड, ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड ओनली अगेंस्ट क्वेश्चन एंड देयर ऑप्शन, आपत्ति केवल प्रश्नों और उनके विकल्पों के विरुद्ध ही दर्ज की जा सकती है। यानी एक्स्ट्रा अपन सब कुछ नहीं बोल सकते हैं कि ये होना चाहिए वो, ऐसा कुछ नहीं करना है। केवल आपको ये बोलना होगा उसमें कि ये क्वेश्चन ही डायरेक्टली गलत है या फिर इसके ऑप्शन सारे गलत है, या इसके दो ऑप्शन सही है, या इसके तीन ऑप्शन सही है, इसके एक भी ऑप्शन नहीं सही है। केवल यही सब आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ उसमें नहीं लिख सकते हैं। फोर्थ क्या है, ऑब्जेक्शन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी एडिट, यानी कि एक बार आप प्रस्तुत की गई आपत्ति बाद में बदली नहीं जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से लॉगिन करके चेक कर सकते हैं और अपने अपने स्कोर बताएं, क्योंकि मैं तो कट ऑफ में चेंज नहीं करने वाला, मैं जितना बोला था कट ऑफ उतना ही रहने वाला है। कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं कट ऑफ काफ़ी कम बताया हूँ, लेकिन अब तो आंसर की आ गया है, अब सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना अपने, थैंक यू फ्रेंड्स। इसको बस शेयर कर दीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको पता चल सके कि लिंक एक्टिव हो चुका है। थैंक यू फ्रेंड्स।